दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक रिफर्बिश लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा लैपटॉप होता है। तो दोस्तों, अपने पास एक ये कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार करके, जो कि आपने कभी नाम सुना होगा। ये दोस्तों 1 साल वारंटी के साथ अपने लैपटॉप सेल करते हैं। तो आज की अनबॉक्सिंग करते हैं लैपटॉप की कैसी क्वालिटी होती है। तो बॉक्स कुछ इस तरीके का दिखता है। वैसे तो पैकिंग तो भाई ठीक ठाक ही की हुई है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का होता है। अब दोस्तों ओपन करके देखते हैं इसको पहले। दोस्तों वीडियो अगर भाई अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो दोस्तों अब इसको ओपन करके देखते हैं भाई। कुछ इस तरीके की इसकी पैकिंग दिखती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको पकड़ने के लिए एक ये हैंडल भी दिया हुआ है। तो दोस्तों लैपटॉप ना कुछ अपना इस तरीके से आप देख सकते हो लैपटॉप रखा हुआ है। यहाँ पे एक चार्जर है, इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको क्या है सिस्टम इसमें। तो दोस्तों आप देख सकते हो लैपटॉप कुछ इस तरीके का निकलता है। इसमें दोस्तों जहाँ तक एडाप्टर ही होगा, मैं फिर भी दिखा देता हूँ आपको। एक दोस्तों एडाप्टर मिलता है और उसके साथ एक केबल भी मिलती है, पावर केबल। इसको कर देते हैं साइड में। वैसे दोस्तों बात करें एडाप्टर की, तो भाई लिनोवो लिखा तो हुआ है, ओरिजिनल एडाप्टर है। ये एडाप्टर भी रिफर्बिश ही होते हैं दोस्तों। वैसे वारंटी की बात करें तो दोस्तों इस पे 3 महीने की वारंटी बताती है कंपनी की, 3 महीने की वारंटी देते हैं अडेप्टर के ऊपर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल तो दोस्तों देखने में ठीक ठाक ही लग रहा है। अब दोस्तों अपने लैपटॉप को देखते हैं कैसा है। दोस्तों अपने पास ये एक लिनोवो का T470 लैपटॉप है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार का है। पीछे से बैक साइड में तो दोस्तों आप देख ही सकते हो स्क्रैच लेस लैपटॉप है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है देखने में। ये इसका होता है टॉप साइड। यहाँ पे दोस्तों बात करें अगर हम इसकी, तो ये ना स्टिकर वगैरह दोस्तों रिफर्बिश लैपटॉप में तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो भाई करना ही पड़ेगा। ये स्टिकर दोबारा से चिपकाए हुए होते हैं, तो थोड़ा सा ना और सा लग रहा है स्टिकर इसका। बाकी तो फिनिशिंग अच्छी है। एक दोस्तों एक कीबोर्ड का कवर मिलता है, जो कि डस्टिंग वस्टिंग नहीं जाती, इसको हटा देते हैं साइड में। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का लैपटॉप है अपना रिफर्बिश, जो आप देख ही सकते हो। यहाँ पे दोस्तों कीबोर्ड वगैरह आप देख सकते हो, बिल्कुल जो प्योर थिंक पैड होता है ना दोस्तों, वही सेम कीबोर्ड दिया हुआ है। ये बीच में एक माउस का बॉल भी होता है इसके अंदर, ये भी ठीक है। ऑन करके भी दोस्तों देखेंगे इसको, पहले इसको देख लेते हैं कि फिजिकल वाइज कैसा दिखता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की इसकी ना बाइंडिंग हुई होती है, पैकिंग होती है, जो भी आप देख सकते हो। ऐसा लग रहा है दोस्तों चिपकाया हुआ लैपटॉप या क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और बात करूँ इसके अंदर दोस्तों, तो थोड़ा बहुत तो दोस्तों रस्टिंग वगैरह ना आपको देखने के लिए मिलेगी। ये दोस्तों आप लैन बोर्ड देख सकते हो। अब दोस्तों इस साइड बैक साइड से देखते हैं इसमें, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है लैपटॉप। ये दोस्तों आप देख सकते हो कुछ माइनर सा गैप दिखता है, प्रॉपर फिटिंग नहीं हुई हो रखी इसकी भाई। और दोस्तों एक यूएसबी इसमें चार्जिंग पोर्ट मिलता है आपको, एक ये यूएसबी मिल गया, एक टाइप सी पोर्ट भी मिलता है, इससे आप चार्जिंग भी कर सकते हो और डेटा ट्रांसफ़र भी। दोस्तों इसमें टोटल यूएसबी मैं आपको बता देता हूँ, एक यूएसबी ये रहा और 2 यूएसबी दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। एक लैन पोर्ट मिल जाता है दोस्तों, एक HDMI पोर्ट मिलता है।
तो दोस्तों वैसे तो ठीक ठाक है, यूएसबी पोर्ट भी है, एचडीएमआई पोर्ट भी मिलेगा, लैंड पोर्ट भी मिलता है। कंपनी तो भाई कहती है कि 1 साल की वारंटी है, अगर कुछ होता है तो भैया ऑन साइड वारंटी देती है, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए वैसे। तो दोस्तों अंदर से लैपटॉप अपना इस तरीके का है, कीबोर्ड वगैरह आप देख सकते हो ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा घिसा हुआ सा तो नहीं है जो होते हैं कीबोर्ड। अब इसको ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ कंपनी ने थोड़ी सी वो कर रखी है कि ये जो बेजल है ना इसका, बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट सा बेजल दिया हुआ है दोस्तों। ये यहाँ पे ये भी मिसिंग है इसका, जो कैमरे का लेंस होता है। तो दोस्तों लैपटॉप ऑन हो चुका है अपना। अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस कॉन्फ़िगरेशन में है ये। दोस्तों ये है i5 7th generation, और इसका जो प्रोसेसर है वो यू सीरीज़ का है, जो यू एच होते हैं उसमें यू सीरीज़ का प्रोसेसर है। 8 GB RAM है दोस्तों। और दोस्तों ये ना टच स्क्रीन लैपटॉप है, देखो मतलब ठीक है यार, कोई ज़्यादा वो नहीं है प्रॉब्लम। इसका प्राइस दोस्तों मैं आपको बता दूँ तो ये आपको मिल जाएगा 22,000 रुपये में, 21-22 के आसपास, अप डाउन होते रहते हैं इसके प्राइस। अगर आपको इसको परचेज़ करना है तो दोस्तों मैं कंपनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। ये जो भी मैंने आपको बताई है ना ये चीज़ें, तो इनमें तो दोस्तों कुछ वैसे तो कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई कंपनी दे रही है तो वारंटी भी तो दे रही है ना इन चीज़ों की। थोड़ा बहुत तो आपको देखने के लिए मिलेगा भाई, अगर रेट में कॉम्प्रोमाइज़ है तो क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करें इसकी विंडो की, तो भाई कंपनी वैसे कहती नहीं है कि विंडो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, बाकी फिर भी मैं एक बार चेक करके आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसमें जहाँ तक है ना विंडोज़ 10 ओरिजिनल है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो विंडोज़ प्रोफेशनल एडिशन, तो पर मशीन इज़ परमानेंटली एक्टिवेटेड। विंडोज 10 है, ओरिजिनल है, आप इसको अपडेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों बात करें इसके स्पीकर वगैरह की, साउंड कैसा है तो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, मतलब ठीक ठाक है दोस्तों साउंड भी। रिफर्बिश लैपटॉप है भाई, इसका क्या ही देखना। और मैं आपको बता देता हूँ, इसको ना मैंने यूज़ किया था अभी थोड़ी बहुत देर पहले, तो बैटरी बैकअप भी ठीक है भाई, अभी 50% है। और अभी टाइम रिमेनिंग दिखा दूँ तो आप देख सकते हो 3 घंटे 41 मिनट का टाइम दिखा रहा है। बात करें इसके साथ SSD कितनी आई है, तो दोस्तों 512 GB इसके साथ SSD है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डीफ्रेगमेंट करते हैं जब, तो दोस्तों आप देख सकते हो सॉलिड स्टेट ड्राइव यहाँ पे शो हो रही है, और टचिंग रिफ्रेश रेट भी भाई ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। बात करें दोस्तों कैमरे की, तो कैमरे की क्वालिटी और मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी। दोस्तों बेसिक अगर आपका काम है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कैमरे में भी ठीक ठाक है भाई कैमरा भी। बाकी दोस्तों आप देख ही सकते हो भाई, ये कुछ इस तरीके का इसका टच पैड होता है, कीबोर्ड कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको। थोड़ी बहुत ना आपको इसकी जो फिटिंग होती है ना भाई बॉडी की, वो थोड़ी बहुत आपको आउट दिखेगी कहीं ना कहीं से, ये बेजल वगैरह थोड़ा ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है, जो कि फिंगर लॉक के लिए यूज़ करते हैं लोग। तो दोस्तों ओवरऑल लैपटॉप बस इतना ही है, और मैं आपको दिखा देता हूँ वाईफाई डुअल बैंड है या कौन सा है। वाईफाई भी दोस्तों अपना इसके साथ मिलता है भाई, 5G वाईफाई सपोर्टेड है। ओवरऑल लैपटॉप ठीक ठाक ही है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इसको लेना है ना, तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हो। अगर रेट वाइज देखा जाए तो दोस्तों थिंकपैड जो मॉडल होते हैं ना, उनकी लाइफ अच्छी होती है और अच्छे चलते हैं, कोई ज़्यादा बुराई नहीं है दोस्तों, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, गुड बाय।